मेरठ के सरधना में हुए सिलेंडर ब्लास्ट कांड में अब मौके पर राजनीतिक पार्टियों के आने का सिलसिला भी शुरू है। हादसे में मारे गए दोनों युवकों के परिजनों से मिलने के लिए सर्वप्रथम पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर शादाब चौहान घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के बारे में लोगों से जानकारी ली। वहीं इस घटना में मारे गए दोनों युवकों के साथ पीस पार्टी ने हर मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि यहाँ के परिवार के लोगों का दर्द बांटने के लिए और दुखद घटना को लेकर कि जिस प्रकार से पूरे शहर में इस चीज़ की चर्चा है कि बहुत ही भयावह घटना घटी है, तो हम इसमें एक निष्पक्ष जांच जो कि एक लीगल इशू है उसकी होनी चाहिए, एवं जो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनका नुकसान हुआ है, उनके साथ पीस पार्टी और सब लोग पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं।